हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट्स स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 3. दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी आर आल्सो सॉल्विंग सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन इज, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 33, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियडिक टेबल इन द ऑप्शन ए फर्स्ट ग्रुप, ऑप्शन बी थर्ड ग्रुप, ऑप्शन सी फिफ्थ ग्रुप, ऑप्शन डी सेवेंथ ग्रुप. तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम जानें कि ये इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 33 है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3. तो इस तरह से लास्ट में ये 4p3 भरा है. तो हम ये जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4p3 कहाँ आएगा, कि ये पांचवें ग्रुप में आएगा, फिफ्थ ग्रुप में. और पूरी पीरियडिक टेबल में हम देखें तो ये 15वां ग्रुप है. तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिफ्थ ग्रुप. वास्तव में जो फिफ्थ ए ग्रुप नाम से है पीरियडिक टेबल में. अगला क्वेश्चन देखें, अगले बात हम लोग पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मोलर एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस फेज एटम और आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट. दस एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एम गैसियस स्टेट टू एम प्लस गैसियस स्टेट प्लस वन इलेक्ट्रॉन इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट एम. यानी कि एक एलिमेंट एम जो गैसियस स्टेट में है, उससे एक इलेक्ट्रॉन यदि निकालें तो वो एम प्लस बन जाएगा, और उसमें से प्लस ई माइनस भी लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन में. तो इस चेंज को करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है वही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है. तो लाइक आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सक्सेसिव आयनाइजेशन, द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में आल्सो बी टर्म्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एसेट्रा. द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी इज टेकन फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. और इसको इस तरह से डेल्टा एच वन से एक्सप्रेस करते हैं, और किलोग्राम मोल और इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको दर्शाते हैं. इसकी पीरियडिसिटी क्या होती है? जनरली द आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉलो द ऑर्डर, सबसे कम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, उससे ज़्यादा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और उससे भी ज़्यादा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी. द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर साइज भी बढ़ता है, और न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की बाहरी सेल की दूरी बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाती है जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं. और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी आवश्यकता पड़ती है. तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है. ये जो चित्र से समझें, मान लीजिए ये पीरियडिक टेबल है, तो पीरियडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रही है, और ऊपर से नीचे जाने पे जो है घट रही है, या ये कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ रही है. तो ये इसका सीक्वेंस होता है, ये इसकी पीरियडिसिटी है कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बढ़ती जाती है. और ऊपर से नीचे जाने पे घटती जाती है. अब क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेकंड पीरियड
एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। तो हमको ये पता लगाना है कि जो पहले सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं इनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम किस तरह से होगा। इसमें आपको ये बेरिलियम और बोरॉन में लग रहा है पहले में बेरिलियम का कम है बोरॉन का ज़्यादा है, और सी और डी में बोरॉन की ज़्यादा बोरॉन की कम है और बेरिलियम की ज़्यादा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में भी किसकी ज़्यादा किसकी कम है ये पता लग जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें कि बेरिलियम Be4 है, इसमें फर्स्ट S2 2S2 फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, तो इस कारण से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। तो बेरिलियम की तुलना में जो बोरॉन है उसमें 2P1 इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और तो बी की ज़्यादा होगी। तो बी की ज़्यादा बोरॉन की कम, और उसके बाद में कार्बन में 2P2 है तो ये नेचुरल तरीके से चलेगा बेरिलियम बोरॉन और उसके बाद कार्बन। तो इस कारण से तो ये जो क्रम है इनका ये बेरिलियम बोरॉन कार्बन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। बेरिलियम में फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल होने से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, इसके लिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है बोरॉन की कम होती है। तो बोरॉन उससे ज़्यादा बेरिलियम उससे ज़्यादा कार्बन ये क्रम रहता है। इसी तरह से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन में 2p3 देखिए ये पी ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, इस कारण से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है और ऑक्सीजन की तुलना में। तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, तो सी के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की ज़्यादा है। ये इन सबको हम कंबाइन करके यदि सिक्वेंस लिखें तो हम देखें कि ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन ये कहाँ मिल रहा है, ये आपको पहले ऑप्शन में ही मिल रहा है। लेकिन यदि आप बेरिलियम बोरॉन को भी केस देखें तो बोरॉन पहले रखना पड़ेगा, तो लिथियम फिर बोरॉन फिर बेरिलियम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। इस प्रकार से ये सी ऑप्शन इसका सही है जो कि हमारे इस एनालिसिस से मैच खाता है कि बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम और कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन। ये देखिए बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम और नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन। सॉरी ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखें विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 1s2 2s2 2p3 2p5 3s1 2p6 2p5। तो यहाँ पर 2p3 ये हाफ फिल्ड है, ये 2p6 फुली फिल्ड है, तो इन दोनों का तो बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब बचे बी और डी ऑप्शन, इसमें से किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो सबसे दूर ये इलेक्ट्रॉन 3s1 में है इसलिए ऑप्शन बी सही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसकी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियोज ऑफ दिस सीरीज एंड कम्प्लीट द सीरीज देन यू विल गेट बेटर understanding. Take care, have a nice day. See you in the next video.